वेलकम बैक। ये कहानी है दो दोस्तों की, जिसमें से एक का नाम अवनीश कुमार था और दूसरे का नाम मनोज। महीने का आखिरी दिन था, उन दोनों को ही अपनी कंपनी से सैलरी मिली थी। अवनीश और मनोज एक ही कंपनी में जॉब किया करते थे। उन दोनों ने पहले ही तय कर लिया था कि जैसे ही उन्हें सैलरी मिलेगी, वो दोनों एक बहुत बड़े होटल में जाकर डिनर करेंगे। इसलिए अवनीश और मनोज दोनों ही एक साथ अपनी कंपनी से बाहर निकले। अवनीश ने अपनी गाड़ी निकाली और वो मनोज को गाड़ी में बिठाकर एक होटल की तरफ लेकर चल दिया। होटल उनकी लोकेशन से काफ़ी ज़्यादा दूर था, इसलिए उन्हें बहुत जल्दी जाना था और वक्त भी काफ़ी ज़्यादा हो चुका था। लगभग 8:30 से 9 बजे का टाइम था। अवनीश ने गाड़ी बहुत तेज़ चलाई। लगभग वो आधे से एक घंटे में अपनी लोकेशन के पास पहुंच गए। मनोज ने अवनीश से पूछा, अरे यार, होटल अभी कितनी दूर है? काफ़ी देर से तू चलते ही चला जा रहा है। अवनीश ने कहा, बस यही सड़क क्रॉस करते ही सामने होटल है। अब वो दोनों एक ऐसी जगह पहुँच चुके थे जहाँ सड़क बिल्कुल सुनसान थी। काफ़ी दूर तक उस सड़क पर कुछ भी नहीं था। अचानक ही सड़क के किनारे उन्हें एक बूढ़ी औरत बैठी हुई नज़र आई और उसके पास दो बच्चे बैठे हुए थे। जब गाड़ी उस बुढ़िया के काफ़ी करीब पहुंच गई तो मनोज ने अवनीश से कहा, अवनीश, अरे यार, एक मिनट गाड़ी रोक। अवनीश ने उस बुढ़िया के बिल्कुल सामने ले जाकर गाड़ी रोक दी। मनोज ने अवनीश से कहा, शायद भिखारी लोग हैं, इन्हें भी कुछ दे देते हैं। और मनोज ने अपनी जेब में हाथ डाला और एक 10 का नोट निकाला। और फिर मनोज ने अपनी गाड़ी का शीशा जैसे ही नीचे किया तो उसने क्या देखा कि वो तीनों जने मनोज की तरफ बहुत ही घूर घूर कर देख रहे थे। उनका देखना काफ़ी डरावना लग रहा था, क्योंकि उन तीनों में से कोई भी अपनी आंखों की पलक नहीं झपका रहा था और टकटकी बांधकर मनोज की तरफ देखे ही जा रहे थे। फिर मनोज ने एक हाथ में 10 का नोट लेकर हाथ बाहर किया और वहाँ बैठे बच्चे से कहा, लो बेटा, ये पैसे ले लो। लेकिन उस बच्चे ने कुछ भी रेस्पॉन्स नहीं दिया और वो सिर्फ मनोज की तरफ देखे ही जा रहा था। फिर अवनीश ने मनोज से कहा, अरे यार, वैसे ही इतनी देर हो चुकी है, फटाफट दे और आगे चल। फिर मनोज ने उस नोट को थोड़ा फोल्ड करके और उस बुढ़िया की तरफ फेंक दिया। वो बुढ़िया के बिल्कुल पैर के पास जाके गिरा। उसके बाद वो दोनों अपनी गाड़ी वहाँ से लेकर आगे बढ़ गए। कुछ ही देर में वो एक होटल में पहुँच गए। उन दोनों ने होटल में खाना वाना खाया। उसके बाद उसी होटल में एक डांस बार था, वो दोनों डांस बार में चले गए। उन दोनों ने वहाँ पर बहुत देर तक इंजॉय किया। उसके बाद लगभग रात के 12 से 12:15 बजे का वक्त हो चुका था। अवनीश ने कहा, मनोज, हमें चलना चाहिए, काफ़ी देर हो चुकी है, मेरे घर से कॉल आ रहा है। फिर मनोज ने कहा, हाँ यार, घर से तो मेरे भी कॉल आ रहा है और काफ़ी देर हो चुकी है, चल फटाफट यहाँ से निकलते हैं। फिर वो दोनों वहाँ से गाड़ी से बहुत तेज़ी से निकले। रात काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी, इसलिए अवनीश कार को बहुत ही तेज़ी से ड्राइव कर रहा था कि अचानक ही उन दोनों की नज़र उसी बुढ़िया पे पड़ी जो अभी तक उसी जगह दोनों बच्चों को लेकर बैठी हुई थी। अवनीश ने जैसे ही उस बुढ़िया को देखा, तुरंत ही उसने गाड़ी हल्की कर दी और उस बुढ़िया के काफ़ी करीब जाकर गाड़ी रोक दी। अवनीश अपने घर के लिए कुछ खाना पैक करा कर ले जा रहा था। वो खाना उसने सोचा कि इस बुढ़िया को दे देता हूँ, ये छोटे बच्चे भी खा लेंगे। मनोज ने कहा, अरे अवनीश, ये क्या कर रहा है तू? गाड़ी से बाहर कहाँ जा रहा है? देखते ही देखते अवनीश गाड़ी से बाहर निकला और उसने वो खाना उस बुढ़िया के सामने ले जाकर रख दिया और कहा, अम्मा, इसमें खाना है, इन बच्चों को खिला देना और आप भी खा लेना। फिर अचानक ही मनोज भी गाड़ी से निकल कर आ गया और उसने कहा, अरे अम्मा, अब तो रात के लगभग 1 बजे का वक्त है और आप यहाँ क्यों बैठे हो? लेकिन वो बुढ़िया किसी की भी बातों का कोई भी जवाब नहीं दे रही थी, ना ही वो बच्चे कुछ बोल रहे थे। वो तीनों जने सिर्फ उन दोनों को देखे जा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो बोलना जानते ही नहीं। मनोज ने अपनी बात को 2-3 बार रिपीट किया और हर बार एक ही सवाल उनसे पूछा, अम्मा जी, इतनी रात में आप यहाँ क्यों बैठी हुई हो? अगर आपको कोई परेशानी है तो हमसे बताइए। अगर आपको पैसे चाहिए तो मैं कुछ पैसे तुम्हें दे सकता हूँ। मनोज ये बातें कर ही रहा था कि अचानक ही वो तीनों जने वहाँ से गायब हो गए। ये देखते ही अवनीश और मनोज बहुत ज़्यादा घबरा गए और वह अचानक ही भागकर अपनी गाड़ी में आकर बैठ गए।
अवनीश गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करने लगा, लेकिन अब गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। अवनीश ने मनोज से कहा, शायद गाड़ी में धक्का लगाना पड़ेगा। ये सुनते ही मनोज पहले तो मना करने लगा, उसके बाद बहुत हिम्मत करके मनोज आगे पीछे देखते हुए गाड़ी से बाहर उतरा और उसने कहा, चलो मैं धक्का लगाता हूँ, तुम गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करो। फिर मनोज गाड़ी को धक्का लगाने ही जा रहा था कि अचानक ही मनोज को ऐसा लगा जैसे कि उसके पीछे कोई खड़ा है। मनोज ने अचानक ही पलट कर पीछे देखा तो उसने पाया कि उसके पीछे वही दोनों बच्चे और वो बूढ़ी औरत खड़े हुए हैं। उन तीनों को देखते ही मनोज बहुत ज़ोरों से चिल्लाया और वहाँ से पैदल ही भागते हुए काफ़ी दूर निकल गया। अब अवनीश वहाँ अकेला था और उनको देखकर अवनीश भी बहुत ज़्यादा डर रहा था। उसने गाड़ी के सारे शीशे बंद कर लिए और वो अंदर ही बैठा रहा। कुछ देर के बाद अवनीश ने अपनी गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की तो अचानक ही उसकी गाड़ी स्टार्ट हो गई। जिस तरफ मनोज भागते हुए गया था, अवनीश उसी तरफ गाड़ी लेकर चलने लगा। काफ़ी दूर वहाँ से निकल जाने के बाद अचानक ही अवनीश को बेहोशी की हालत में एक जगह मनोज उल्टा पड़ा हुआ नज़र आया। अवनीश गाड़ी से बाहर निकला और उसने जाकर मनोज को उठाया और किसी तरह से खींच कर वो गाड़ी के अंदर मनोज को लेकर आ गया। उसके बाद वो मनोज को वहाँ से लेकर घर पहुँच गया। घर के सभी लोग हैरान और परेशान थे कि आखिर ये सब क्या हो गया। अवनीश ने इस घटना के बारे में सभी लोगों को बिठाल कर बताया, लेकिन कुछ लोग इन बातों पर विश्वास नहीं कर रहे थे। अगले दिन जब मनोज को होश आया तो अवनीश ने उससे पूछा कि आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ था कि तुम बेहोश हो गए। मनोज ने उससे बताया कि वो भागते हुए जा रहा था, अचानक ही काले कपड़ों में आदमी खड़ा हुआ उसको दिखाई दिया। मनोज ने सोचा कि शायद मैं इससे मदद मांग लूँ। मनोज चिल्लाते हुए उस आदमी के पास गया और ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था, बचाओ बचाओ, प्लीज़ हेल्प मी। वो आदमी अचानक ही पीछे मुड़ा और उसने मनोज की तरफ देखा तो उसके चेहरे पर आंखें नहीं थी और उसके मुंह से आग निकल रही थी। ये सब देखकर मनोज वहीं बेहोश हो गया था। उन दोनों की इन बातों पर किसी को विश्वास नहीं आ रहा था, लेकिन जो भी उन दोनों के साथ घटा था उसको वही दोनों जानते थे कि आखिर उनके साथ क्या क्या हुआ था। और कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।